मायावती ने चुनाव को बताया छलावा, बैठक में नहीं होंगी शामिल बसपा सुप्रीमो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एक देश का एक चुनाव पर सभी राजनीति पार्टियों की बैठक बुलाई। बैठक में बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती शामिल नहीं होंगी। मायावती ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये राष्ट्रीय समस्याओं से ध्यान बांटने का प्रयास व छलावा मात्र है। ईवीएम पर बैठक होती तो मैं जरूर शामिल होती। यहां तक कि मायावती ही नहीं, अखिलेश यादव ने भी इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया और उन्होंने भी जाने से मना कर दिया। मायावती ने ट्विटर पर लिखा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश चुनाव को कभी भी धन की व्यय अपव्यय से तोलना उचित है। देश में एक देश एक चुनाव की बात वास्तव में गरीब, महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती हिंसा जैसी ज्वलन राष्ट्रीय समस्याओं से ध्यान बांटने का प्रयास व छलावा मात्र है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि बैलेट पेपर की बजाय ईवीएम के माध्यम से चुनाव सरकारी जिद से देश की लोकतंत्र व संविधान को असली खतरे का सामना है। ईवीएम के प्रति जनता का विश्वास चिंताजनक स्तर तक घट गया है। ऐसे में इस घातक समस्या पर विचार करने हेतु अगर आज की बैठक बुलाई गई होती तो मैं अवश्य ही उसमें शामिल होती। देश में पिछले काफी समय से एक साथ विधानसभा लोकसभा चुनाव कराने को लेकर चर्चा छिड़ी है। इसी बहस के आगे बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों की प्रमुख बैठक बुलाई, जिसके अंदर कई पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया और पार्टी में शामिल नहीं हुए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।